हरियाणा में 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। हरियाणा के तीन प्रमुख लाल परिवारों की अगली पीढ़ी के चुनाव मैदान में उतरने से इस बार राज्य में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार सभी प्रमुख दलों के अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने और कोई भी गठबंधन ना बन पाने की वजह से चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। हरियाणा में पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के आधार पर कांग्रेस को 90 सीटों में से 15 पर ही बढ़त हासिल हो पाई थी। ऐसे में इस बार कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने की राह मुश्किल नजर आ रही है। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 90 में से 40 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 31 सीटों के साथ इंडियन नेशनल लोक दल दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी को महज 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि भजन लाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस 6 सीटें जीतने में सफल रही थी, अन्य के खाते में 9 सीटें गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला और 34.7% वोटों के साथ बीजेपी 10 में से 7 सीटें जीतने में सफल रही। इस आधार पर देखें तो राज्य की 90 में से 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी लहर पर सवार होकर वो इस बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने में सफल रहेगी। बहरहाल अगली सरकार चुनने के लिए हरियाणा की जनता बुधवार को वोट डालेगी और सत्ता किस पार्टी के हाथों में जाती है अगली 19 तारीख को ये साफ हो जाएगा। रोहतक से अनुज यादव और अंबाला से रमा त्यागी के साथ निशांत सौरभ, DD News।